राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माउंट आबू का बायलोज पास करवाया और सिरोही के विधायक सैयम अलोड़ा के प्रयासों से माउंट आबू का S2 जोन भी फाइनल हो गया। फिर भी माउंट आबू नगर पालिका द्वारा अभी तक जनता को कोई राहत नहीं मिली है। राज्य सरकार ने जहां माउंट आबू के सभी नियम कायदे तय कर दिए हैं, वहीं सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय NGT सभी ने आदेश जारी किए हैं कि माउंट आबू की जनता को जोनल मास्टर प्लान के अनुरूप और तय किए गए मापदंड के अनुसार नक्शे स्वीकृत किए जाए। माउंट आबू में नए निर्माण की 150 से अधिक फाइलें नहीं है और अगर माउंट आबू में यह फाइलें स्वीकृत हो जाती है तो निर्माण कार्यों की कोई परमिशन लेने वाला नहीं बचेगा। लेकिन माउंट आबू के लोगों को नगरपालिका के आए दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। माउंट आबू के एक नागरिक शैतान सिंह तो जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरने पर भी बैठ कर आ गए हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति जारी नहीं हुई। वहीं नगरपालिका माउंट आबू के आयुक्त शिवपाल सिंह ने कहा कि माउंट आबू में निर्माण कार्यों पर कोई रोक नहीं है और राज्य सरकार के आदेशों बायलोज व मापदंडों के अनुसार सभी को स्वीकृति जारी की जा सकेगी। नगरपालिका कमिश्नर साहब से आज मैं मिला तो उन्होंने कहा कि अभी माउंट आबू में NGT की कोई रोक नहीं है, फालतू आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, अभी आपको परमिशन जल्दी से जल्दी जारी कर लेंगे, ये बताया हमको आज। पर पहले लोगों ने कहा कि इसकी रोक है, उनकी तरफ SDM साहब से मिले थे, SDM साहब ने भी कहा है कि किसी तरह की कोई रोक नहीं है। और मुझे तो खुद ही जानकारी है कि NGT में मैं खुद पार्टी बन के गया था 2016 में, 2018 फैसला हुआ कि सारे जो मामले पहले भी लगे थे वो भी सारे गलत थे, उनको भी NGT ने खारिज कर दिया। इसके बाद में हाईकोर्ट ने भी अमाउंट के लिए पूरे पक्ष में फैसले दिए कि नियमानुसार लोगों को परमिशन जारी करें। बिल्डिंग बायलॉज भी लागू हो चुका है, मास्टर प्लान भी लागू हो चुका है। अब मेरे ख्याल से अमाउंट के लोगों को नगर पालिका लोकल लेवल पर है तो उनको सबको राहत दे देनी चाहिए ताकि लोग शांति से अपना मकान आशियाना बना सके। फालतू हवा बना रखी है कि माउंट आबू में बैन है, किसी तरह का कोई मुझे तो नहीं लग रहा बैन है। और यदि बैन है तो भी मेरे ख्याल से अधिकारियों को, पब्लिक को शांतिपूर्वक तरीके से लिखित में दे देना चाहिए कि इस तरह के बैन है, ताकि रोज़ नगर पालिका के अपना टाइम धंधा छोड़कर नगर पालिका के चक्कर में ना आवे। एक तो उनके वो कह रहे हैं कि हमें शाखाओं में जाते तो हमें सम्मान नहीं मिलता, तो हम हमारी कर्मकार्मिकों को पाबंद करेंगे कि जो पार्षद है उनके प्रोटोकॉल के अनुसार उनका सम्मान करें। इसके अलावा उनको जो भूमि शाखा को लेकर कुछ इश्यूज थे तो उनके लिए पार्षदों को बता दिया गया कि उनके एक टीम गठित करेंगे और उसमें ये पार्षद ही सम्मिलित होंगे, अगर कोई गलत निरस्त हो गया है तो उसको रिव्यू करेंगे और पार्षदों के जो इश्यूज है उसको हम नियमानुसार सॉर्ट आउट करेंगे। जहाँ तक पट्टों का प्रश्न है, सरकार ने जो नॉर्म्स बनाए नगर पालिका माउंट आबू में उस नॉर्म्स के अनुसार पट्टे जारी किए जा रहे हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जैसा सरकार ने रूल्स बनाए उसके अनुसार हम उसको फॉलो करके पट्टे दे रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो जायज़ काम है वो नहीं रुके, उन समस्त लोगों को पट्टा मिलेगा और जहाँ जो हमारे प्रतिबंधित जो चीज़ें हैं NGT के निर्देश है या जोनल मास्टर प्लान के हैं या जो इश्यूज जो हम नहीं कर सकते वो हम कतई नहीं करेंगे, बाकी जो जायज़ है वो पट्टा एक भी नहीं रुकेगा, ये हम समस्त लोगों को आश्वस्त करते। अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।